हेलो दोस्तों, आपका भाई आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर आ गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आए ना पल्सर 220 FBS को लेके जिसकी हद नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए BS6 पल्सर 220F लेकर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बजाज की न्यू पल्सर 220F BS6 वर्जन के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में और ये भी देखेंगे कि बाइक में क्या क्या चेंजेस किए गए बजाज की तरफ से। कुछ खास चेंज भी हुआ है क्या, माइनर चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और 220F का पूरा स्पेसिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, वीडियो के प्राइस आपको बताने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि कल मैंने NS200 BS6 का वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई ये BS6 नहीं है, ये फेक वीडियो है। तो भाई आज की वीडियो में पहले से मैं आपको बता दूं कि देखिए, BS6 की सबसे बड़ी जो पहचान है वो तो एक तो फ्यूल इंजेक्टर है FI, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा पल्सर 220 का। साथ में दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि BS6 में पेट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच आपको नहीं मिलता है। साथ में जो बजाज की तरफ से लगाया हुआ BS6 का स्टिकर है वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, जिससे ये पूरा कंफर्म होता है कि ये BS6 ही बाइक है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करने से बचे दोस्तों, और आप देखें वीडियो को, आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये BS6 है या BS4। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पल्सर 220F के प्राइस के बारे में, क्योंकि भाई तुमको पता ही है कि तुम्हारा भाई सबसे पहले प्राइस बताता है, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है बजट। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं पूरा 10 मिनट का वीडियो देख लिया और मेरा बजट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा निराशा होगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट। तो दोस्तों, पल्सर 220F का जो BS4 का जो प्राइस आता था, उसका जो लास्ट टाइम प्राइस था वो है 1.31 लाख, 1,31,000 रुपये आप लोगों को पल्सर 220F का BS4 मॉडल आता था। अब दोस्तों, BS6 मॉडल के बारे में अगर मैं बता दूं पल्सर 220F, तो वो आप लोगों को आ रही है 1,40,000 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 रुपये के आसपास आ रही है। तो देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे सीधे 8 से 9 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो चुका है पल्सर 220F BS6 में। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इतना चेंज हुआ है जो इतना प्राइस बढ़ना चाहिए था, और बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में कि किस टाइप का इंजन BS6 में यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, इंजन टाइप में नॉर्मली 4 स्ट्रोक 2 वेल्वे ट्विन स्पार्क प्लग BS6 कंप्लेंट के साथ यहाँ पे इंजन DTSI टेक्नोलॉजी और ऑयल कूल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है पल्सर 220F में। मैक्सिमम जो सीसी है बाइक की वो है 220, 220 सीसी की बाइक है मैक्सिमम। और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम पावर में 20.93 का PS पावर मिलता है, जो कि 8,500 RPM पे वर्क करता है। मैक्सिमम टॉर्क में 18.55 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि 7,000 RPM की मैक्सिमम लिमिट रखता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूल्ड इंजन हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। वेल्वे पर सिलेंडर की बात करेंगे, 2 वेल्वे पे बाइक को डिज़ाइन किया गया है। ड्राई टाइप में चैन ड्राई देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में सेल्फ स्टार्ट ओनली देखने को मिल जाता है हमें। किकलेस बाइक है, वैसे अभी भी जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक आ रही है उसे किकलेस ही बनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्यूल सप्लाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यही आपको सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला है कि अब बाइक में आपको FI मिलता है, जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं, फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। क्लच में नॉर्मली क्लच मिलता है, वेट मल्टीप्लेट उम्मीद थी कि स्लीपर क्लच की, बट वो अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। ट्रांसमिशन में मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिला है दोस्तों। हमारा ये भी एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे हमें
सिक्स स्पीड गियर देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। एमिनेशन टाइम में आपको मैंने बताया BS6 इंजन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके चेंजेस के बारे में कि क्या चेंज हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस बाइक का दिखा देता हूँ फ्यूल इंजेक्टर। वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो से कंफ्यूज और बहुत सारे लोगों को बोल मेरे को वीडियो को फेक बोल रहे थे कि भाई फेक वीडियो बना हो, तो भाई लो इसका सीधा फ्यूल इंजेक्टर देख लो। तो ये है दोस्तों इसका फ्यूल इंजेक्टर जो कि आप नए BS6 पल्सर 220 ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और इसी की वजह से बाइक का प्राइस बढ़ा है 6 से 7 हज़ार रुपये की खुद का खुद। ये एक टेक्नोलॉजी है सिर्फ CPA। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कितना प्राइस तो बढ़ाना ही था क्योंकि BS6 में आपको हर एक बाइक में फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो जो कंपनी का क्लेम है वो है 40 किलोमीटर पर लीटर। जी दोस्तों 40 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम है बाइक को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जो लोग इस बाइक को खुद यूज़ करते हैं तो वो लोग मुझे बताते हैं कि 35 से 40 के बीच का माइलेज हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक के हम स्पीडोमीटर के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत सारा भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था बजाज से कि फुली डिजिटल मीटर हो सकता है, गियर इंडिकेटर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस बाइक में आप लोगों को पहले की तरह स्पीडोमीटर में डिजिटल विद एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को दोस्तों स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है, ट्रिप मीटर डिजिटल मिलता है, टेकोमीटर एनालॉग मिलता है, जिसे हम RPM मीटर भी कहते हैं। साथ में दोस्तों आप लोगों को कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ABS का जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाता है, EC का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और आप लोग यहाँ पे बैटरी लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल गेज ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस बाइक में देखने को मिल जाती है। यानी कि जैसे एज इट इज़ पहले है वैसे ही निकाला गया, लेकिन कम से कम इसमें मेरे हिसाब से तो भाई गियर इंडिकेटर तो ऐड कर ही देना था बजाज को अपनी तरफ से। दोस्तों इस बाइक के हम चेचिस एंड सस्पेंशन के बारे में अगर बात करते हैं तो बॉडी टाइप जिसे हम पल्सर 220 को स्पोर्ट्स बाइक कहते हैं, फ्रंट सस्पेंशन में यहाँ पे आप लोगों को टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट मिल जाता है, और रियर सस्पेंशन में आप लोगों को 5-way एडजस्टेबल नाइट्रोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो नाइट्रोशॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एडजस्टेबल नाइट्रोशॉक जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा तरह से वर्क करता है, अच्छी तरह से काम करता है, और अब इसके जो सस्पेंशन है वो आपको इस बाइक को राइड स्मूथली राइड करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सब पल्सर 220F के लवर है। बॉडी ग्राफ भी आपको इस बाइक में देखने को बहुत ही प्यारा मिल जाता है पल्सर 220F में। दोस्तों इस बाइक के हम डेमिनेशन एंड कैपेसिटी के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो ओवरऑल जो बाइक का लेंथ है, पूरा लेंथ है बाइक का 2035 mm का लेंथ है, वीड जो बाइक की है वो है 750 mm की, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो है 1165 mm की। इस बाइक की खास चीज़ मुझे यही लगती है पल्सर सीरीज़ की, क्योंकि फ्यूल कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छा देता है 15 लीटर की, 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की भी है। इस बाइक की जो ओवरऑल सीट हाइट है वो है 795 mm की। बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो है 165 mm का, काफ़ी है इंडियन रोड के हिसाब से। व्हील बेस में 1350 mm की व्हील बेस हमें इस बाइक में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बाइक के वेट के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, ओवरऑल जो बाइक का वेट है वो है 155 kg का, 155 kg की बाइक है पल्सर 220F। दोस्तों इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे हमें हेडलाइट LED देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी भी बजाज की तरफ से आप लोगों को इसमें जो एक प्रोजेक्टर लाइट मिलती है और एक नॉर्मल जो बल्ब मिलती है वो भी आप लोगों को हेलोजन ही देखने को मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में बजाज इसको अपडेट जरूर करेगा। टेल लाइट आप लोगों को LED मिल जाती है, टर्न सिंगल लैंप बल्ब मिल जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट भी आपको देखने को मिल जाता है, LED टेल लाइट्स मिल जाती है, बैटरी टाइप में फुल DCI बैटरी मिलती है। कैपेसिटी की बात करेंगे बैटरी की तो वो 12 वोल्ट 8 AH की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। साथ में हम लोग को कुछ और इंडिकेटर बता दूँ तो लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर भी इस बाइक में हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं इस बाइक के हम ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों पुल कहीं ना कहीं 220 है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही फेवरेट बाइक है मेरी। दोस्तों इस बाइक के टायर साइज के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो फ्रंट टायर में आप लोगों को 1990 का टायर मिल जाता है और रियर टायर में 120/80 का टायर हमें इस बाइक में देखने को मिलता है।
17 इंच की इसकी व्हील बेस की साइज है, ठीक है। टायर टाइप में आप लोगों को ट्यूबलेस मिल जाता है और यहाँ पे व्हील टाइप अलॉय देखने को मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक में आप लोगों को, यानी कि मैं आपको इस बाइक में दोनों ही तरफ डिस्क मिलते हैं, जिसे हम डुअल डिस्क कहते हैं। साथ में अगर इस बाइक के डिस्क की साइज के बारे में बात कर दें तो फ्रंट ब्रेक का जो डायमीटर है वो है 260 mm का और रियर ब्रेक का जो डायमीटर है वो 230 mm का। यार यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो NS200 ने 300 mm का डिस्क प्लेट लगाया है वो Pulsar 220F में यूज़ करते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। रेडिएटर टायर आपको देखने को मिल जाता है Pulsar 220F BS6 में। साथ में आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम में सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है इस बाइक में। बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि डुअल चैनल ABS आएगा, लेकिन दोस्तों अभी सिंगल चैनल से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों इस बाइक के फीचर एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको बताया सेफ्टी में सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है, टैकोमीटर एनालॉग मिलता है, ऑडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, ट्रिप मीटर डिजिटल मिलता है, फ्यूल गेज डिजिटल मिलता है, कंसोल आपको एनालॉग एंड डिजिटल मिलता है, फास्ट स्विच मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, स्टेप अप सीट मिल जाती है और यहाँ पे इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि BS6 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, इसे हम माइनर ही चेंज कहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है इस बाइक में। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंज है इस बाइक का वो है इसका फ्यूल इंजेक्शन FI, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस बाइक में ऑक्सीजन फिल्टर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको इस बाइक में सब देख सकते हैं कि इसके साइलेंसर यानी कि इसके एग्जॉस्ट में थोड़ा चेंज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा चेंज वहाँ पे कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे इंजन के नीचे जो साइलेंसर है वहाँ पे उसकी जो बनावट है वो थोड़ी इसमें बड़ी कर दी गई है, मोटी कर दी गई है, जो कि इसमें फिल्टर लगा है, जो कि BS6 से इसके ट्यूस टेक्नोलॉजी को देखते हुए इस बाइक को यहाँ पे ये चीज़ चेंज की गई है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही चेंज मुझे इस बाइक में देखने को मिला, और कोई बहुत बड़ा चेंज तो BS6 में हमें इस बाइक में देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके। और दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।